तो दोस्तों काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इसे हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने काफी कुछ रिसर्च करने के बाद जो है एक वीडियो बनाया है। तो मैंने आजकल देखा है कि अमेजोन का क्रेज ज्यादा चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जितने भी चल रहे हैं सबसे ज्यादा जो है अमेजोन का क्रेज चल रहा है, लोग उससे ज्यादा परचेज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है, आप लोग पूछ भी रहे थे कि एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है। देखिए एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे आप अमेजोन का ही ले लीजिए उदाहरण में, मैं आपको अमेजोन का ले रहा हूं। इसका अगर कोई भी प्रोडक्ट आप अगर सेल कराते हैं तो हर प्रोडक्ट का अमेजोन एक कमीशन स्लिप बना के रखता है कि किसी पे 1% किसी 2, यानी कि 10 से 12% तक मैक्सिमम दे देता है। अब वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कैटेगरी कि वो प्रोडक्ट कौन सा है उस पर कितना मार्जिन, वो आप सीट में देख सकते हैं वहां पे दे रखा है अमेजोन ने कि जो है कौन से प्रोडक्ट पर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। करना क्या है, देखिए एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद एक एफिलिएट मेंबर आपको बना देता है अमेजोन, तो आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देता है, उस लिंक को आप कहीं भी शेयर करते हैं और उस लिंक के थ्रू अगर कोई अमेजोन पे आता है विजिट करके और अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको जो है उस प्रोडक्ट का जो भी परसेंटेज है वो आपको अमेजोन पेड कर देता है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और जो है उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है एफिलिएट मार्केटिंग में काम करने का। उसके बाद जो है आप चाहे फ्लिपकार्ट पे कर लें, ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स साइट चल रही है जिनके थ्रू जो है आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके और अच्छा खासा जो है पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में कि अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन करना है और उसके लिंक के थ्रू जो है हम कैसे किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करा सकते हैं और उससे कैसे जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। अमेजोन एक ट्रस्टेड साइट है, ये आप सभी जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल जो है, तो इसलिए मैं अमेजोन को ही च्वाइस करके लाया हूं। इस वीडियो में मैं अमेजोन के बारे में बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी बता दूंगा आपको जो और चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज है, ईबे वगैरह है, काफी सारी शॉपिंग पोर्टल चल रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो अमेजोन का मैं इस वीडियो में आपको बताऊं कि एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके उसमें जो है कैसे अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मेंबर उसमें कैसे बना जाता है और कैसे जो है उसे यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा जरूर देख के जाइए, क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा, अगर आप स्किप कर देंगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए जो है वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट पॉइंट। तो चलिए इसके लिए आप जो सबसे पहले amazon.in ओपन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो इसे ओपन करने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको दिखा दूँ। सबसे नीचे चले आइए, सबसे नीचे देखिए आपको एक मिल जाएगा यहाँ पर जो है एफिलिएट प्रोग्राम का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ रहा है बीकॉम एंड एफिलिएट, तो यहाँ पर जो है आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपने इसमें साइन अप कर रखा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो पहले साइन अप कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बीकॉम एंड एफिलिएट पे क्लिक करना है, तो चलिए इस पर क्लिक किए ले रहे हैं और इस पर क्लिक करेंगे तो जो है कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर ये देखिए आ रहा है ज्वाइन नाउ फॉर फ्री का, तो आपको इस ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक किए ले रहा हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये लॉगिन करने के लिए मांगेगा। अगर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले से बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना रखा है तो आप बना लीजिए। ये क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर चलिए मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें साइन अप कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए, और मैंने कर रखा है तो यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी प्रोफाइल वगैरह जो इसमें डली हुई है ये इसने ऑटो उठा ली है, तो मुझे यहाँ पे अब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से एड्रेस है ही और कुछ नहीं है, तो चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर जो पहले वाला वो चेक है तो चेक ही रहने दीजिए, इसे आपको कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट में छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन मांग रहा है आपसे टैक्स के लिए, अगर आप यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इसे यस कीजिए, नहीं करते हैं तो आप नो कर, तो हम यूएस से तो करते नहीं है तो हम इसे जो है नो कर देंगे। तो इसे नो करने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा नीचे साइड पर नेक्स्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आप जो है नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद कुछ अगला पेज आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपको मांग रहा है यहाँ पर जो है एंटर योर वेबसाइट, तो आपके सामने
एक ये जो बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल जो भी आपके पास है उसका लिंक डालना है। तो यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब का लिंक डालूंगा। तो चलिए मैं यूट्यूब का जो है लिंक ले ले रहा हूँ, तो यूट्यूब को ओपन कर ले रहा हूँ और यूट्यूब से जो है अपने चैनल का मैं लिंक ले ले रहा हूँ। तो ये मैंने सर्च कर लिया है अपना चैनल। तो ये देखिए मेरा चैनल आ चुका है, तो मैं इसे ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद देखिए ऊपर जो है यहाँ पर लिंक आ गया है। इसे मैं यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लूँगा, और कंट्रोल सी दबाने के बाद जब इसे कॉपी कर लेंगे तो इसे लाके जो है मैं यहाँ पे एंटर और वेबसाइट में जो है कंट्रोल वी के थ्रू जो है पेस्ट कर दूंगा, या राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये हुआ नहीं, दोबारा से कॉपी की ले रहा हूँ, कॉपी और कंट्रोल वी या पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ऐड का आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना है इसे, तो ऐड पे क्लिक कर लेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही ये नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा जो है ऐड हो गया है। इसके बाद देखिए अगर आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। नीचे आ रहा है नेक्स्ट, तो आपको करना है यहाँ पर नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे क्लिक किए दे रहा हूँ। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ आगे आपसे इस तरीके से आ जाएगा, आपको आपकी थोड़ी सी डिटेल मांगेगा ये, तो ये डिटेल आपको फिल करनी। चलिए मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आ रहा है व्हाट इज योर स्टोर आईडी। स्टोर आईडी ये क्या है ये मैं आपको बता, स्टोर आईडी एक तरीके से यूजर नेम ही होता है अपना, जो भी बनाना चाहें तो आप बना लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है अपना स्मार्ट ही बना ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट का स्टोर आईडी दे दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए और वेबसाइट मोबाइल ऐप अवार्ड वगैरह यहाँ पर स्टार लग रहा है, तो इसे आपको बनना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मेरा टेक वगैरह से रिलेटेड चैनल है, तो मैं यहाँ पर टेक का ही दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्निकल डाल दिया क्योंकि ये ब्लैंक नहीं लेगा, आपका चैनल या वेबसाइट जिस कैटेगरी से है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे उसके बारे में डाल दीजिए कौन सी कैटेगरी से है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे टॉपिक में पहला टॉपिक आपको चूज़ करना है कि आपका टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा ज़्यादातर जो है टेक्निकल या बैंकिंग वगैरह को लेके है, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मेडिकल, मैन्युफैक्चर, अदर, फोटो, रियल एस्टेट, सोशल सोशल नेटवर्किंग। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। बिजनेस कंप्यूटर वाला कर दे रहा हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अच्छा दूसरे में भी आपको कैटेगरी कुछ डालनी है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप अपने हिसाब से डाल दीजिए क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से डालना है। तो यहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट डाल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका चैनल या आपकी साइट जिस कैटेगरी से रिलेटेड है उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। यहाँ पे आपको नीचे कुछ सिलेक्ट करना रहेगा, उसी रिलेटेड कंप्यूटर एंड ऑफिस में कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया मैंने, और कोई दिक्कत नहीं, इतना कर दीजिए, बाद में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इतना ही किए दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो ये भी आपको अपनी रिकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पर ऐसे पहले वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आधा कर दीजिए सबसे बढ़िया है। अगर और छोड़ना जाए छोड़ भी सकते हैं, तो दूसरे वाले में इसे भी चलिए छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इससे वो नहीं पड़ेगा। अच्छा नीचे आ जाइए ट्रैफिक और एंड मोनेटाइजेशन में, तो यहाँ पे देखिए ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन में देखिए यार डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करते हैं कि नहीं, ठीक है मैं कर दूंगा। सीओ ठीक है, ऐसे भी कर दीजिए। सोशल नेटवर्किंग कर दीजिए, इसे आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्योंकि ये ज़रूरी नहीं मैं कर रहा हूँ वही करना है आपको, ठीक है। आपका ट्रैफिक जो है कैसे आता है तो ये आप देख लीजिए कि आपकी साइट पे जो ट्रैफिक है कैसे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपकी साइट या ब्लॉक पे कैसे कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। इसके बाद देखिए अब आगे चलते हैं, तो आगे देखिए देखिए इसमें आगे आ रहा है हाउ टू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट करना है। पहले वाले में देखिए थर्ड पार्टी आ रहा है, ईबे, ऑनलाइन डिस्प्ले, तो इसमें मैं ई कॉमर्स कर ले रहा हूँ सबसे बढ़िया है। दूसरे वाले को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी ऑप्शन आते हैं, इसमें चलिए एफिलिएट को सिलेक्ट किए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे जो चाहे वो भर दीजिए अपने हिसाब से। और इसमें आ रहा है हाउ डू यू यूजली वुड लाइक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप लिंक जो यहाँ से लेंगे वो कैसे यूज करें, HTML वगैरह हम कैसे मैनुअली करेंगे, तो मैं मैनुअली भी सिलेक्ट किए दे रहा हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर आ रहा है आगे
हाउ मनी टोटल यूनिक विजिटर टू यू वेबसाइट एप्स गेट पर मंथ। तो आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखिए इस चीज़ को बारीकी से देखना, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आपकी साइट या चैनल जो भी है उस पर जो है पर मंथ कितने विजिटर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी दी है 500 से 5000, 5000 से 50000, 50000 से 5 लाख। तो मेरे पास 50000 से 5 लाख तो आ जाते हैं पूरे महीने में, तो मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा। अब इसके बाद देखिए पूछ रहा है व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग द अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इस पर आपसे पूछ रहा है टू मोनेटाइज बाय साइट, मोनेटाइज माई साइट का मतलब मेरी मोनेटाइज है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा। इसके नीचे अब आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम अमेजोन डॉट इन साइड ऑनलाइन सर्च है, ये कहाँ से आपको मिला अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। तो मैं ऑनलाइन सर्च पे डाल दूंगा कि इसके बारे में मैंने जो है ऑनलाइन सर्च किया तब जाना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर आपको ये नीचे आ रहा कैप्चा फिल करना है, तो चलिए कैप्चा डाले ले रहे हैं। कैप्चा आराम से डालना, देख करके गलती ना करें। तो मैंने यहाँ पर कैप्चा डाल दिया है और इसके बाद जो है अब आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पे चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आप चेक कर दीजिए इसे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है फिनिश का, तो आप यहाँ पे जो है इसे फिनिश कर दीजिए। तो मैंने इसे फिनिश पे क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं, ये थोड़ा कैप्चा गलत हो गया है, सॉरी दोस्तों, इसे दोबारा से फिल किए दे रहा हूँ, बाकी सब सही है, कोई बात नहीं। मैंने कैप्चा जो है दोबारा डाल दिया है यहाँ पर, और इसके बाद जो है फिर से फिनिश पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये आप कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आ गया, कांग्रेस शिवराम सिंह, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द अमेजोन डॉट इन एसोसिएट प्रोग्राम। और जो देखिए पहले स्टोर आईडी बनाई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो मेरी, मैंने केवल स्मार्ट डाला था, तो यहाँ पर इसने देखिए उठा के दे दिया स्मार्ट 00FF21। तो ये ऑटोमेटिक दे देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जो है स्टोर आईडी हो गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको नीचे देखने को दो ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे एंट्री और पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अगर चाहें तो बाद में कर सकते हैं, अगर चाहें तो अभी कर दें। यहाँ पे नाउ पे करेंगे तो अकाउंट डिटेल वगैरह आपसे मांगेगा, वो डाल लेंगे, और लेटर पर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी आप डाल सकेंगे। तो चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा कि यहाँ पे कैसे आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए यहाँ पर नाउ पे क्लिक करेंगे, मैं नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, और नाव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। अभी ये देखिए यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि आपका पैन नंबर आपसे मांग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपसे डिटेल मांगता जाएगा, वो आप यहाँ पे केवल बैंक डिटेल आपसे मांगेगा, वो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है इसे थोड़ा एक्टिवेट होने में लगभग 24 घंटे के लगभग लग जाते हैं, तो ये 24 घंटे बाद जो है आपका एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद जो है आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। चलिए देखते हैं मेरा अभी हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी तो नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही आपका यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक पट्टी सी आने लगेगी इस जगह पे अप्रूव्ड होने के बाद, तो यहाँ पर एक पट्टी आने लगेगी, उसमें आपको अर्निंग वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार जो है साइन इन करके देख ले रहा हूँ दोबारा से। तो ये देखिए मेरा जो है हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे वैसे 24 घंटे लगते हैं लेकिन ये तुरंत ही इन्होंने अप्रूव कर लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये ऊपर आप देख रहे होंगे, तो ये जो है एक पट्टी सी आ गई है, यानी कि इसका मतलब ये आपका एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद ही आती है कि मैं जो है एफिलिएट प्रोग्राम में एक्टिव हो चुका हूँ। अब यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट इनका सेल करवा के जो है और अर्निंग कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसे भी कि कैसे आप जो है किसी प्रोडक्ट को सेल कराएंगे। तो अब इसमें वर्क कैसे करना है मैं आपको अब थोड़ा सा बता दूं। चलिए मान लेते हैं एक मोबाइल मुझे सेल करना है, जैसे कि अभी रेडमी नोट 6 प्रो मोबाइल, ये भी थोड़ा क्रेज में चल रहा है, तो ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसकी डिटेल दिखाता है, आपको पता ही होगा। अब इस मोबाइल को हमें सेल कराना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऊपर जो है एक यहाँ पर मिल जाएगा आपको टैक्स और टैक्स इमेज और केवल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक कोड मिल जाएगा नीचे, ये देखिए ये आ रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा, ये जो नीचे बॉक्स में कोड आ रहा है ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कोड जो है आपको लेना है, और इस कोड को आप जहाँ भी चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं। और केवल अगर टैक्स पे करेंगे तो यहाँ पे केवल आपको लिंक दे देगा, ये देखिए आपको एफिलिएट लिंक इसने दे दिया है।
अब इस लिंक को जो है ये शॉर्टिंग लिंक है, शॉर्टन लिंक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग जो दिख रहे थे आप वो केवल शॉर्ट कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसे शेयर करके, इसे मैं कॉपी किए ले रहा हूँ यहाँ से, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। और चलिए जैसे कि मैं फेसबुक पे ही दिखा दे रहा हूँ, तो चलिए फेसबुक को ओपन कर लेते हैं और फेसबुक में मैं इस लिंक को जो है शेयर करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस लिंक को जो है कैसे शेयर करना है। ये मैंने फेसबुक खोल लिया है अपना, और यहाँ से जो मैंने अभी आपके सामने ये लिंक जो कॉपी किया था, आप देख सकते हैं ये वाला लिंक है, इसे मैंने अभी कॉपी किया था। और कॉपी करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसे कैसे पोस्ट करें। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसे पोस्ट किए दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा सीधा। तो ये मैंने देखिए कर दिया है, और इसके बाद जो है इसे थोड़ा सा शेयर कर देंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक से सारा कुछ ले लिया, ये आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया है, और यहाँ पर जो है डायरेक्ट इसे शेयर कर देंगे। तो ये शेयरिंग हो रही है और आपको अभी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका एडवर्टाइज आएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारा कुछ डाटा इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक लिंक शेयर करना। अब इस लिंक पे अगर कोई क्लिक करता है तो मैं आपको दिखा दूँ, देखिए इस लिंक पे जैसे क्लिक करेगा कोई तो उसी पेज पे आ जाएगा जहाँ से आपने इसको उठाया था। तो ये देखिए यहाँ आ चुका है, यहाँ पर सारी डिटेल आ रही है, यहाँ से वो इस चीज़ को अगर ख़रीदता है तो इसका जो भी कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। मान के चलिए अगर वो आपके लिंक से ओपन करके यहाँ तक आया और ये प्रोडक्ट उसने नहीं ख़रीदा और यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, तो इनमें से कोई दूसरा मोबाइल उसने सेलेक्ट कर लिया, वो ख़रीद लिया, तब भी आपको जो है कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप बड़े ही आराम से जो है काफ़ी सारा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इसमें कैसे काम करना है, तो अमेजोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, एफिलिएट प्रोग्राम में कैसे ज्वाइन करते हैं और कैसे इसे जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इस लिंक के थ्रू जो है आप कैसे भी जो है कोई भी लिंक निकाल लीजिए और जो है कहीं भी शेयर कर दीजिए, अपने ब्लॉग पे, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, जहां भी चाहे वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जितना भी अगले प्रोग्राम के बारे में आपको बताया है ज्वाइन करने से लेकर जो है इसमें लिंक वगैरह शेयर करने तक के लिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वायरी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही था। अगर आप कहेंगे तो उन टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं, मैं उस पर भी वीडियो जो आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।